नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो अभी तक हम 60 तक की सारी सेक्शंस टीपीए के बारे में सारी सेक्शंस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा टीपीए का 60A का वीडियो है। तो आइए हम देखते हैं कि 60A है वो क्या बोलता है। बंधककर्ता को प्रति अंतरण करने के बजाय किसी तृतीय पक्षकारों को अंतरण करने की बाध्यता, जहाँ की बंधककर्ता मोचन के लिए हकदार है। जहाँ बंधककर्ता मोचन के लिए हकदार है मतलब जहाँ की जो बंधक करता है उसने जो रकम शुद्ध हुई थी उस समय पर जिस पर उन लोगों में करार हुआ था कि इस संपत्ति को, जैसे ए नामक व्यक्ति है और बी नामक व्यक्ति है, ए बंधक करता है अपनी संपत्ति को बी के पास रखता है, मतलब इसने बंधक किया है ए ने, और कहा है इन दोनों में क्या करार हुआ है कि यदि निश्चित समय पर और स्थान पर यदि ए संपत्ति, ए जो धन लिया है उधार वह दे देता है निश्चित समय स्थान पर, तो क्या इसका मोचन का अधिकार हो जाएगा, मतलब वह अपनी संपत्ति बी से प्राप्त कर लेगा। तो ये होता है मोचन का अधिकार। तो यदि ए के पास मोचन का अधिकार है मतलब जो उसने पैसा लिया था और वह चुका दिया है। अब इसके आगे देखते हैं क्या बोलता है कि बंधककर्ता मोचन के लिए हकदार है। जहाँ की बंधककर्ता है वह मोचन के लिए हकदार है, वहाँ उनकी नियमित शर्तों की पूर्ति पर, जिनकी पूर्ति पर वह प्रति अंतरण करने की अपेक्षा करने का हकदार हो जाता है। मतलब जहाँ उसने मोचन का हक आ गया है उसके पास, तो वहाँ क्या है, वहाँ उन किसी भी शर्तों की पूर्ति पर, यदि कोई भी शर्त पूरी होती है जिनकी पूर्ति पर वह प्रति अंतरण कराने की अपेक्षा करने का हकदार हो जाता है। मतलब वह शर्त पूरी हो गई है जिनके आधार पर क्या होता है, वह प्रति अंतरण, मतलब जो संपत्ति उसने किसी को दी थी उससे पाने का हकदार हो जाता है। तो वहाँ बंधकदार से क्या अपेक्षा करेगा, मतलब बंधकदार को जो संपत्ति दी थी उसे पाने का हकदार हो गया, क्योंकि मोचन का अब उसे हकदार हो गया, उसने पैसे चुका दिए। तो वहाँ बंधकदार से यह अपेक्षा कर सकेगा, जो बंधकदार है मतलब जिसे संपत्ति दी थी, कि वह उस संपत्ति की प्रति अंतरित करने के बजाय, मतलब वह उस संपत्ति को प्रति अंतरित, मतलब उसी व्यक्ति को ना दे उसे करने के बजाय ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे बंधककर्ता निर्दिष्ट करे, बंधक ऋण समुनिदेशित करे, बंधक संपत्ति अंतरित करे, या बंधकदार तदनुसार समनुदेशन और अंतरण करने के लिए आबद्ध होगा। इसमें ये है कि यहाँ से एक बार और देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा कि उस संपत्ति को प्रति अंतरित करने के बजाय, ठीक है, जो बंधक करता है वह कहता है कि आप मुझे वापस मत दीजिए वह संपत्ति, ऐसे अन्य व्यक्ति को, कोई अन्य व्यक्ति जिसे बंधक करता निर्दिष्ट करता है, बंधक करता कहता है कि आप दूसरे व्यक्ति को दे दीजिए जिसे बंधक करता निर्दिष्ट करे, बंधक ऋण समुनिदेशित करे और बंधक संपत्ति अंतरित करे, मतलब जो बंधक संपत्ति है और बंधक ऋण उसे समुनिदेशित, मतलब बताए कि बंधक जो ऋण है वह भी उसे समुनिदेशित करे, उसे बता दे और बंधक संपत्ति अंतरित करे, उस जो संपत्ति है बंधक संपत्ति वो भी अंतरित करे, तथा बंधक दर तदनुसार समुनिदेशन और अंतरण करने के लिए आबद्ध होगा। इसमें यह है कि ए नामक व्यक्ति है वह कहता है बी से, ठीक है, ए नामक व्यक्ति अपनी संपत्ति बी के पास रखता है कि जब मैं आपको यह पैसा दे दूंगा तो आप क्या करेंगे, आप मुझे संपत्ति प्रति अंतरित कर देंगे, ठीक है, परंतु हाँ जब ये नामक व्यक्ति पैसा दे देता है तो यह मोचन का हकदार हो जाता है, मतलब जो उसने संपत्ति बी के पास रखी थी वह लेने का हकदार हो जाता है। जब वह लेने का हकदार होता है तो वह कहता है कि आप मुझे प्रति अंतरित मत कीजिए, जो सी नामक व्यक्ति है आप इस व्यक्ति को, मेरी संपत्ति जो है, ये कहता है कि जो मेरी संपत्ति है जो मैंने आपके पास रखी हुई थी, मैंने आपका पैसा चुका दिया है, तो आप इस संपत्ति को सी नामक व्यक्ति को दे दीजिए। तो जब ये नामक व्यक्ति ऐसा कहता है कि आप इसे दे दीजिए तो क्या होगा, तो ये जो बी है वह आबद्ध होगा कि उस संपत्ति को किसे दे, सी को देने के लिए आबद्ध है। तो यहाँ सिर्फ इतना ही, और आगे के जो क्लॉज हैं ये 2 क्लॉज नहीं पढ़ना है, 3 भी नहीं पढ़ना है, 60B भी नहीं पढ़ना है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कुछ कमी लगती है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।